हेलो फैमिली, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे कि मैंने कहा था पहले मैं प्री वर्कआउट न्यूट्रिशन के ऊपर लाया था, अब ये पोस्ट वर्कआउट के ऊपर है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स गो। तो पोस्ट वर्कआउट मील द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग और मसल बिल्डिंग आई कैन से। तो पोस्ट वर्कआउट मील वन ऑफ द बेस्ट और मेन पार्ट है आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस का। तो इसमें अब हम सब कुछ देखें कि कैसे पोस्ट वर्कआउट मील आपको हेल्प करता है, कार्ब्स कैसे हेल्प करते हैं, प्रोटीन कैसे हेल्प करता है पोस्ट वर्कआउट मील में जो आप लेते हो। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर आप वर्कआउट के बाद कार्ब्स और प्रोटीन नहीं ले रहे, मतलब आप वर्कआउट करते हो ना करते हो, इतना तो सुना ही होगा कि प्रोटीन नहीं ले रहे तो आपको मसल बिल्ड नहीं होगा। तो ये पूरी तरीके से सच नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर आप वर्कआउट के बाद प्रोटीन नहीं ले रहे तो आप मसल बिल्डिंग का थोड़ा पार्ट पीछे रह जाएगा आपका। और उसी तरीके से कार्ब्स भी इम्पोर्टेंट है पोस्ट वर्कआउट मील में। तो इन सब के बारे में समझेंगे अभी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ से असली अपने वीडियो को। तो देखो, जब आप वर्कआउट करते हो ना तो आपका मसल ब्रेकडाउन होता है, आपका प्रोसेस शुरू होता है मसल ब्रेकडाउन का। अब मसल ब्रेकडाउन हो रहा है आपका, तो आपको वर्कआउट के बाद उसको रिपेयर करना है। बट अगर आप उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे, वो आप नहीं दे पा रहे उसको न्यूट्रिशन, तो आपका मसल लॉस होगा। अब देखो, आपने समझ लो वर्कआउट किया, पोस्ट वर्कआउट में आपने प्रोटीन लिया, कार्ब लिया, तब तो बढ़िया है। बट अगर आपने बहुत ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन करा और आपका मसल ब्रेकडाउन प्रोटीन सिंथेसिस से ज़्यादा हो जाए, मतलब प्रोटीन ब्रेकडाउन मसल प्रोटीन सिंथेसिस से ज़्यादा हो जाए, तो नेट रिजल्ट इज मसल लॉस। बट अगर आपका प्रोटीन सिंथेसिस रेट ज़्यादा है मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन से, तो नेट रिजल्ट इज मसल गेन। तो ये अब आप कैसे भी देख लो, किसी भी तरीके से अगर आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब नए प्रोटीन बना पा रही है आपकी बॉडी वर्कआउट के बाद, नेट रिजल्ट मसल गेन ही होगा। बट अगर आप उसको न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो पोस्ट वर्कआउट में, तो फिर आपकी मसल लॉस हो गई, क्योंकि मसल ब्रेकडाउन का प्रोसेस चलता ही रहेगा सर, क्योंकि आपने उसे न्यूट्रिशन नहीं दिया। अब अगर आप फास्टेस्ट स्टेप में अपना वर्कआउट करते हो, तो आपका जो मसल ब्रेकडाउन है वो 3-4 घंटे बाद वर्कआउट के और ज़्यादा एलिवेटेड होगा, क्योंकि वर्कआउट के टाइम पे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, उतना ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन आपका हायर नहीं होता, रेट लो ही होता उस टाइम। बट वर्कआउट ख़त्म होते ही वो बढ़ने लग जाता है, और 3-4 घंटे बाद अगर आप फास्टेस्ट स्टेप पे कर रहे हो वर्कआउट, तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, जिसको आपको पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन से लो करना पड़ेगा, मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ब्रेकडाउन को कम करना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मसल ब्रेकडाउन बेकार चीज़ है, बट आपका अगर मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा हो जाए मसल प्रोटीन सिंथेसिस के रेट से, देन इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर यू, यू विल लॉस मसल, मसल लॉस हो गई आपका, फिर उस रेट से आपका मसल गेन नहीं हो पाएगा, अगर आप अच्छे से अपना पोस्ट वर्कआउट में अच्छा मील लेते तो। दिस इज वाई प्रोटीन आफ्टर वर्कआउट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अभी कार्ब्स के बारे में बात करें। अब लोग कहते हैं कि एक वर्कआउट के बाद एनाबॉलिक विंडो होती है 2-3 आवर्स की। मैं लेकिन मानता हूँ कि 1-2 आवर जो होता है उसके अंदर ही खा लेना चाहिए, जो मुझे अपनी बॉडी में अभी तक महसूस हुआ है, आज तक जो करता है वही होता है। एनाबॉलिक विंडो नाम की चीज़ होती है, मैं मानता हूँ ये एकदम 100% मेरे लिए तो ये सच है, क्योंकि वर्कआउट के बाद आपको न्यूट्रिशन चाहिए, वो आपको 1-2 घंटे में दे दोगे तो आपका मसल ब्रेकडाउन रेट जो है वो ज़्यादा एलिवेटेड नहीं रहेगा। तो बस मेरा यही मानना है कि 1-2 घंटे में अपना वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट मिला अच्छा प्रोटीन और कार्ब्स के बारे में बताऊँगा अभी। कार्ब्स भी खा लो, इम्पोर्टेंट है वो, ये नहीं कि आप 1-2 घंटे तक ऐसे घूम रहे हो कहीं सोच रहे हो कि जाके खा लूँगा, और वर्कआउट के बाद कुछ भी खा रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा, आपका मसल लॉस ही होगा। ना टोटल जो इसका आउटकम निकल के आया ये कि आपको आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस मसल ब्रेकडाउन से ज़्यादा होगा तो आपका नेट रिजल्ट मसल गेन है, इतना बस समझ लो। अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पोस्ट वर्कआउट में अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, अच्छा प्रोटीन चाहिए, अच्छा सोर्स चाहिए प्रोटीन का, और आपको कार्ब्स चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ रिसर्चेस और कुछ स्टडीज़
काटा नहीं जा रहा है, जो आपको विश्वास दिलाएं कि जो मैंने कहा वो सच है। और पोस्ट वर्कआउट का न्यूट्रिशन आपके लिए बहुत अच्छा है, लेना ज़रूरी है एक दो घंटे के अंदर ही। तो सबसे पहले जो स्टडी की बात करूँ वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस एट रेस्ट और आफ्टर वर्कआउट। तो आपका अभी तक ये समझ आ गया कि वर्कआउट के बाद आपका मसल ब्रेकडाउन होता है, तो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसाइज करने का रेट वर्कआउट के बाद बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो रिसर्च में बताऊंगा ये आपको प्रूफ करेगी इस बात को। तो एक स्टडी हुई थी श्राइन्सबर्न इंस्टीट्यूट में, तो उसमें कुछ इंडिविजुअल्स को लिया, 10 लोगों को लिया, 10 लोगों को लिया, और उनको इन्फ्यूज किया मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड से आफ्टर वर्कआउट, और उनको रेस्ट पे भी देगा, रेस्ट पे भी देखे हुए। तो रेस्ट पे जो दिया वो ठीक है, अलग है, और जो वर्कआउट के बाद दिया वो अलग है। तो वर्कआउट के बाद जब दिया ना उन्हें अमीनो एसिड का मिक्सचर, तो उनका 30-100% ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा था उनकी बॉडी में, और रेस्ट पे तो नॉर्मल होता है। तो सोचो इससे समझ आता है कि आपका वर्कआउट के बाद कितना ज़्यादा आप प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं आपकी बॉडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट मील लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी मील लेना जिसमें अच्छे अमीनो एसिड्स हो। अमीनो एसिड की बात करें तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो, और जो भी आपको लेना हो, जो भी आपकी नज़र में अमीनो एसिड फुल ऑफ अमीनो एसिड्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स से फुल जो भी फूड है वो ले सकते हो आप। ये देखने में बहुत माइनर सा लगेगा, बट ओवर द टाइम इट एड्स अप टू ह्यूज मसल गेन। ये मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, और ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये सब मैंने कुछ टाइम से फॉलो करना शुरू किया। मैं बहुत ज़्यादा मैं बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था काफ़ी टाइम से, 1 साल हो गया मतलब ये सब फॉलो करते हुए। और जो भी सर्जरी के बाद जो मसल गेन मुझे दिखा है ना, अलग है भाई, पहले ऐसा मुझे अपनी बॉडी में कभी फील नहीं हुआ। अच्छी है, एप्स भी अभी तक विजिबल है, और मेरा मसल अच्छे से गेन हो रहा है, 87.300 ग्राम राइट नाउ, और फिर भी अच्छे खासे एप्स विजिबल हैं, ठीक ठाक मस्कुलरिटी है, फैट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, वरना इसी बॉडी वेट पे 86 गया था मैं पिछले बल्क पे, तो बहुत ज़्यादा फैट था वो, अभी बहुत कम फैट है मेरा, कट में दिखेगा आपको रिजल्ट टोटल जो भी मैं बोल रहा हूँ अभी। तो जितना ज़्यादा आपकी बॉडी स्पेंड करेगी टाइम प्रोटीन सिंथेसाइज करने में, उतना ज़्यादा मसल गेन होगा। ब्रेकडाउन, मसल ब्रेकडाउन तो देखो वर्कआउट के बाद चलता है 3-4 घंटे, पर आपको जल्दी से उस टाइम मील ले लेनी है ताकि आपकी बॉडी न्यू प्रोटीन बना सके और फिर न्यू मसल बना सके इसके। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको वर्कआउट के बाद ही ले लेना चाहिए प्रोटीन, तो इसके लिए भी अब मैं आपको एक रिसर्च दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ स्टडी किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ तब बताता हूँ। तो एक स्टडी हुई थी बिस्परजे हॉस्पिटल में, जिसमें ये बताया गया कि मतलब एक एक्टिविटी की गई कि 12 एल्डरली अनट्रेन इंडिविजुअल्स को लिया गया, और उनको ट्रेनिंग के बाद क्विकली दे दिया गया अपना पोस्ट वर्कआउट भी, और कुछ 12 और लिए गए एल्डरली अनट्रेन पीपल्स, और उनको वापस दिया गया। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो सच में है, इसके लिए मैं एक और रिसर्च आपको दिखाना चाहूँगा। तो स्टडी कंडक्टेड इन बिस्परजे हॉस्पिटल, जिसमें कि 12 टोटल 24 इंडिविजुअल्स को लिया गया, 12-12 में डिवाइड किया गया, 12 इंडिविजुअल्स को क्विकली पोस्ट वर्कआउट मील दे दिया गया वर्कआउट ख़त्म होते ही, और 12 इंडिविजुअल्स को नहीं दिया गया, 1-2 घंटे बाद दिया गया। नेट रिजल्ट क्या आया, जो 12 जो इंडिविजुअल्स जिनको जल्दी से दे दिया गया उनका मसल प्रोटीन सिंथेसिस मसल ग्रोथ ज़्यादा हुई उन 12 लोगों के मुकाबले जिनको 1-2 घंटे बाद दिया गया। ये रिजल्ट देखा गया 2 महीने में कि जो 12 जो लोग थे उनका ज़्यादा मसल ग्रो हुआ, जिनको क्विकली अमीनो एसिड मिक्सचर का अमीनो एसिड या अच्छा पोस्ट वर्कआउट मिल दिया गया। तो यहाँ से आपको प्रूफ होता है कि ये बात सच है, आपको क्विकली जितना जल्दी हो सके वर्कआउट के बाद ले लेना चाहिए अपना पोस्ट वर्कआउट मिल, जितना लेट करोगे उतना आप गेम्स को स्किप कर रहे हो, ये मेरा मानना भी है, मेरे को ऐसा लगता है और रिसर्च भी दिखा दी आपको, और मैं तो मानता ही हूँ भाई, मैं तो वर्कआउट के बाद जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता उस टाइम, हाफ स्कूप वे प्रोटीन तो लेके जाता हूँ और घर आते ही फिर खाता हूँ अच्छे से। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, वो कैसे आपके हेल्प करते हैं मसल बिल्डिंग में। तो देखो जब आप कार्ब्स खाते हो ना वर्कआउट के बाद, तो आपका मसल गेन होता है, हेल्प होती है, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट में जो नहीं खा रहा कार्ब्स वर्कआउट के बाद, उससे आप आगे ही रहोगे हमेशा मसल ग्रोथ। ऐसा कैसे होता है, अब ये नहीं है कि कार्ब्स बोलते हैं कि अब भाई मसल को गेन होना पड़ेगा, तुझे गेन होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है।
देखो आप जब वर्कआउट करके कार्ब्स खा रहे हो तो आपका इंसुलिन स्पाइक होता है। इंसुलिन स्पाइक हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एकदम से मसल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट मसल ब्रेक डाउन जो है उसको, उस रेट को वो कम कर देता है। अब मसल बिल्डिंग है क्या, आपका मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन कम हो और सिंथेसिस ज़्यादा हो, तो यहाँ पे वो हेल्प कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं बढ़ा रहा पर ब्रेक डाउन वो कम करके आपको हेल्प कर रहा है मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाने में, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इस बात को समझो कि टोटल जो है आपके पास मसल प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होनी चाहिए ब्रेक डाउन से, इज इक्वल टू मसल गेन, बस ये टोटल बात है मसल गेन की। तो इसके लिए भी एक रिसर्च हुई मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में, जिसमें 12 लोगों को लिया गया जिनको लो कार्ब डाइट पे रखा गया और 12 लोगों को हाई कार्ब डाइट पे। फर्क क्या था, जो कि जो लो कार्ब डाइट थे उनका मसल ब्रेक डाउन ज़्यादा हो रहा था मुकाबले जिनका हाई कार्ब मील था, उनका मसल ब्रेक डाउन उनसे कम था। तो ऐसे देखोगे तो आप दोनों का ये नीचे जा रहा है, मसल ब्रेक डाउन कम है इसका ज़्यादा है, तो ऐसे फर्क पड़ रहा है, ऐसे फर्क पड़ता है मसल बिल्डिंग में। यहाँ से बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ टाइम में, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको फर्क दिखेगा दोनों में, इन दोनों लोगों में, तो यहाँ से फर्क आता है और ये मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैंने ये सब करके देख लिया है। तो देखो भाई जो मुझे लगता है उस हिसाब से मैंने रिसर्चेस ढूंढी, उनको लिया और आपको बता रहा हूँ। मुझे ये सब पता था पर फिर भी प्रूफ करने के लिए रिसर्चेस ढूंढनी पड़ती है, तभी प्रूफ हो पाता है बात। तो ये सब समझ आ गया होगा आपको, आप ये मेरा एनालिसिस भी है, मेरे को जो जो लगता है मैंने वो सब बता दिया आपको, जो मैंने अपने बॉडी पे ट्राई करा जिससे मसल ग्रोथ में हेल्प हो रही है। अब इसके साथ एक बात और है कि मेरे को लगता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है पोस्ट वर्कआउट मील में, जो कि है ग्लाइकोजन स्टोर। अब देखो अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपके लिए ग्लाइकोजन स्टोर से हमेशा भरा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट के बाद काफ नहीं खाओगे तो आप रिप्लेनिश नहीं कर पाओगे ग्लाइकोजन स्टोर को, ग्लाइकोजन को जो आपने वर्कआउट के टाइम पे एकदम ख़त्म किया। तो इम्पोर्टेंट है कार्ब्स लेना क्योंकि ग्लाइकोजन स्टोर आपके फुल हो जाएं। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप पूरे साल लो कार्ब डाइट पे, वो बहुत बेकार है आपकी बॉडी के लिए। इफ़ यू वांट मसल गेन तो कार्ब्स तो लेने पड़ेंगे, खाली प्रोटीन से नहीं होगा। ग्लाइकोजन स्टोर फुल रहेंगे, एनर्जेटिक रहोगे, मसल आपकी की मसल कैपेबिलिटी होगी कि ज़्यादा वेट उठा पाए नेटर चलते मसल। तो ये थी टोटल वीडियो जो मुझे लगता है, जो मैंने अपने को ट्राई किया और रिसर्चर्स भी दिखाया आपको, इन हिसाब से मेरे को जो लगा मैंने बताया, ये सब मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेंगे। इसके साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो वीडियो किस अच्छी लगी हो तो, एंड सब्सक्राइब करो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, और नहीं लगी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर सकते आप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।